चैनल शिक्षा योग, जिसमें आपको खेल से संबंधित इस समय सीरीज चल रही है, जिसमें हम चर्चा करेंगे बैडमिंटन खेल के बारे में। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं क्वेश्चन सीरीज की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, बैटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? तो इस ये नाम है, ऑप्शन है रस्साकसी, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो। तो इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया? पुणे, मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है पुणे। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? पहला ऑप्शन 1920, ख 1887, ग 1885, घ 1900। इसका राइट आंसर होगा ख 1887। क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? ऑप्शन है क 1893, 1887, ग 1820, घ 1900। इसका राइट आंसर होगा ख 1887। ग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, घ इंटरनेशनल बैडमिंटन फ्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा ग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 6, PWF का गठन कब हुआ? क 1987, ख 1900, ग 1920, घ 1934। इसका राइट आंसर है घ 1934। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन खेल में थॉमस कप किसके लिए? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, घ मिश्रित युगल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ख पुरुषों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस कप की शुरुआत कब हुई? 1947, 1945, 1948, घ ज्ञात नहीं। इसका राइट आंसर होगा ग 1948। 9वां क्वेश्चन है, उबेर कप की शुरुआत कब हुई? ये है 1945, 1948, 1957। तो इसका राइट आंसर है 1957, घा 19। यह महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, बैडमिंटन खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? का चाइना, खा यूएसए, गा इंग्लैंड, घा इंडिया। इसका राइट आंसर होगा गा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11, बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन सा था? बैकम क्लब, खा बाथ क्लब इंग्लैंड, गा काउंटी क्लब, घा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा खा बाथ क्लब इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ हुआ, कब हुई? का दिल्ली 1887, खा कलकत्ता 1934, गा पुणे 1885, घा मुंबई 1885। राइट आंसर होगा खा कलकत्ता 1934। क्वेश्चन नंबर 13, BWF का कार्यालय कहाँ है? मलेशिया क्वालालंपुर, नई दिल्ली भारत, लोसाने स्विट्जरलैंड, घा रोम। तो इसका राइट आंसर होगा का मलेशिया क्वालालंपुर, 1934 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, का अपर्णा पोपट, सैयद मोदी, गा प्रकाश पादुकोण, घा विजयन। तो इसका राइट आंसर होगा घा विजयन, बैडमिंटन के किसी भी खेल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, BWF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है, इसके वर्तमान अध्यक्ष पॉल एरिक होयर हैं, पॉल एरिक होयर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ABF की फुल फॉर्म क्या है? एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन, गा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन फेडरेशन, घा एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। तो राइट आंसर होगा घा एशियन बैडमिंटन फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, ABF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेफ ब्लेटर, खा युंग रोंग, गा मांग सांगकू, घा कार्न डबरासी। तो इसका राइट आंसर है 17वें का घा
कार्न डबरासी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में बैडमिंटन से संबंधित कौन है? का लेअप, खा आउट, गा फाल्ट, घा पेनाल्टी। तो आंसर होगा गा फाल्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन ओलंपिक में कब शामिल किया गया? का 1964 टोक्यो जापान, 1988 सियोल दक्षिण अफ्रीका, गा 1996 न्यू यॉर्क अमेरिका, और घा 1992 बार्सिलोना स्पेन। इसका राइट आंसर है घा 1992 बार्सिलोना स्पेन। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 की, बैडमिंटन को एशियाड में कब शामिल किया गया? 1958, 1950 नई दिल्ली भारत, गा 1962 जकार्ता, घा 1966। तो इसका राइट आंसर होगा गा 1962 जकार्ता में एशियाई खेलों में बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? का 1962, 1951, 1966, 1954। इसका राइट आंसर होगा गा 1966। बात करेंगे क्वेश्चन 22 की, बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन कितना होता है? का 10 से 11 जीएमएस, खा 3 से 4 ग्राम, गा 4.75 से 5.50 ग्राम, घा कुछ नहीं। इसका राइट आंसर होगा गा 4.75 से 5.50 ग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 23, शटल कॉक की लंबाई होती है कितनी? 55 से 65 मिम, 62 से 70 एम, 60 से 65 एम, 50 से 60 एम। राइट आंसर होगा खा 62 से 70 एम। 24, शटल कॉक के बेस का व्यास कितना होता है? 15 से 18 सेंटीमीटर, 20 से 24 सेंटीमीटर, गा 25 से 28 सेंटीमीटर, घा 30 से 35 सेंटीमीटर। आंसर होगा गा 25 से 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, शटल कॉक का अपर डायमीटर कितना होता है? 40 से 45 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर, गा 70 से 75 सेंटीमीटर, घा 58 से 68 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा घा 58 से 68 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? 14 से 16, 10 से 12, 15 से 18, 9 से 13। इसका राइट आंसर होगा का 14 से 16। क्वेश्चन नंबर 27, रैकेट की ओवरऑल लेंथ कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। आंसर होगा घा 68 सेंटीमीटर। नंबर 28, रैकेट की ओवरऑल विड्थ कितनी होती है? चौड़ाई 28, रैकेट की ओवरऑल विड्थ कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है? 23 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा का 23 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 29, रैकेट हेड की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आंसर होगा 29 का खा 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, रैकेट का वजन होता है, वेट होता है कितने ग्राम? 2 से 3 अंश, 3 से 4 अंश, गा 4 से 5 अंश, घा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गा 4 से 5 अंश। क्वेश्चन नंबर 31, बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए लंबाई कितनी होती है? 40 फीट, 44 फीट, 50 फीट, 55 फीट। राइट आंसर खा 44 फीट। 32, बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए चौड़ाई कितनी होती है? 15 फीट, 18 फीट, 20 फीट, 25 फीट। राइट आंसर होगा गा 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 33, बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल के लिए चौड़ाई कितनी होती है? 17 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 15 फीट। राइट आंसर होगा का 17 फीट। नंबर 34, बैडमिंटन
कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा खा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, बैडमिंटन नेट की चौड़ाई कितनी होती है, 5 फीट, 4 फीट, 2 फीट, 3 फीट। आंसर होगा गा 2 फीट। क्वेश्चन नंबर 36, बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होती है, 14 फीट, 20 फीट, 18 फीट, 22 फीट। आंसर होगा खा 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 37, बैडमिंटन नेट में खाने का आकार कितना होता है, 10 से 12 mm, 15 से 18 mm, 15 से 20 mm, 20 से 25 mm। आंसर होगा 37 का गा 15 से 20 mm। 8, बैडमिंटन पोल की ऊंचाई कितनी होती है, का 1.55 सेंटीमीटर, खा 2.30 मीटर, गा 1.50 मीटर, घा 7.30 मीटर। आंसर होगा का 1.55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, बैग गैलरी की चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 फीट, 2 फीट, गा 4.5 फीट, घा 5 फीट। आंसर है का 2.5 फीट। क्वेश्चन नंबर 40, बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, का 1, 2, खा 2, 4, गा 2, 3, घा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा का 1, 2। क्वेश्चन नंबर 41, शार्ट सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है, 5 फुट 5 इंच, 4 फुट 4 इंच, 6 फुट 6 इंच, घा कोई नहीं। आंसर होगा 41वें का गा 6 फुट 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 42, अमृत दीवान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, खा बैडमिंटन। नंबर 43, सैयद मोदी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। आंसर खा बैडमिंटन। नंबर 44, लेट किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। उत्तर आंसर का बैडमिंटन। नंबर 45, बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार में नारिकर एवं मीना शाह, गा मीर कासिम अली, घा देवेंद्र आहूजा। आंसर होगा खा वीएमएन नारिकर एवं मीना शाह। नंबर 46, बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, वीएमएन नारिकर व मीना शाह, 1961 जेसी बोहत, 1961 मीर कासिम अली, 1969 घा दिनेश खन्ना। आंसर होगा घा दिनेश खन्ना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ले है, ड्रॉप का थ्रो, लव, यानी कि इसका 47 का आंसर होगा गा थ्रो। क्वेश्चन नंबर 48, बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, एम एन नाटेडकर 2008, एस एम आरिफ 2000, गा मीर कासिम अली 2004, घा कोई नहीं 1995, खा एस एम आरिफ 2000। 49, बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहां पर है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। आंसर होगा का नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 50, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, इंग्लैंड। आंसर होगा गा मलेशिया। बैडमिंटन के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, प्लेयर, शटलर, बैट्समैन, रैकेटर। तो खा आंसर होगा शटलर। क्वेश्चन नंबर 52, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन विश्व कप टीम विजेता, खा क्रिकेट विश्व कप महिला, गा फुटबॉल विश्व कप, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा का बैडमिंटन विश्व कप टीम विजेता को दिया जाता है। नंबर 53, रहमतुल्ला कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस राष्ट्रीय पुरुष, बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष टीम, क्रिकेट राष्ट्रीय महिला टीम, वॉलीबॉल राष्ट्रीय महिला टीम। इसका आंसर होगा खा बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष टीम को दिया जाता है। 54, बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है, चड्ढा कप, कोनिका कप, यूनिक्स कप, उपरोक्त सभी। तो 54 का आंसर होगा घा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55,
बैडमिंटन खेल से कौन संबंधित है? नारंग कप, सभी कुरैसी कप, चेयर्स कप, उपरोक्त सभी। 55 का राइट आंसर है खा, सभी कुरैसी कप। क्वेश्चन नंबर 56, बैडमिंटन खेल कौन संबंधित है? चाइना कप, फेडरेशन कप, ए व बी दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा गा, ए और बी दोनों। 57 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसे द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं, श्री प्रकाश पादुकोण, जॉर्ज थॉमस, श्री गोपीचंद पुलेला, किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है गा, श्री गोपीचंद पुलेला। क्वेश्चन नंबर 58, बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम के छत की ऊंचाई कितनी होती है? 6 मीटर, 9 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। राइट आंसर होगा खा, 9 मीटर। मेरे द्वारा ये बैडमिंटन प्रतियोगिता पर आधारित यह वीडियो बनाई गई है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नोटिफिकेशन ऑन होने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। बाय बाय दोस्तों।